Hello everyone, I hope you all are doing well. I'm Sonia from Team BDS and the topic for the day is Highlight Correct Summary. Highlight Correct Summary में हम क्या क्या explain करेंगे, ये task क्या है, इसकी scoring कैसे होती है और कौन सी चीजें हैं जो इसे जल्दी से solve करने के लिए हमें ध्यान में रखनी है. So Highlight Correct Summary में exactly होता क्या है? Listening module का question है, आपको एक audio सुनाई देगी, ऑडियो को ध्यान से सुनते हुए उसके बेसिस पे हमको एक समरी को चूज करना है जो सबसे ज्यादा उस ऑडियो के साथ मैच करती है. ऑप्शंस आपको 4 दिए जाते हैं और ऑप्शंस रफली अराउंड 60 वर्ड्स तक रेंज कर सकते हैं. ऑडियो शुरू होने से पहले हमें 7 to 10 सेकेंड्स का जो प्रेपरेशन टाइम मिलता है, हमें उसमें करना क्या है? द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि प्रेपरेशन टाइम में फटाफट से एक ग्लांस दे लो, एक लुक दे लो अपनी ऑप्शंस को. सब ऑप्शंस पढ़ी जाएं ये पॉसिबल नहीं है, बट यस एक आइडिया जरूर लगाया जा सकता है. जितना ज्यादा रीड कर सके उतना करें. एग्जाम में बच्चे आपको 2 to 3 टास्क आते हैं हाईलाइट करेक्ट समरी के और हमें 4 ऑप्शंस के अराउंड दी जाती है. हमको एक ऑप्शन सिलेक्ट करनी है जैसी अभी हमने बात की. I would not say that this is one of the most important tasks of your PT exam, but yes, ये task important है. क्यों? क्योंकि ये listening के साथ साथ reading में score contribute करता है. इस question की बात की जाए तो around 3 points contribute करता है आपके exam में. What we have to keep in mind. एक बात मैंने आपको पहले बताई कि 7 to 10 seconds में जितना ज़्यादा read हो सके हम करेंगे. बट ये जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ रीड कर पाए. वट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, जब ऑडियो चलना शुरू हो गया आप साथ साथ मेन पॉइंट्स को जॉट डाउन करना शुरू कर दें, नोट डाउन करना शुरू कर दें. इट इज इम्पॉसिबल कि सब कुछ सुन के आपको सब कुछ एग्जैक्टली याद रहेगा. और ये भी जरूरी नहीं है कि जो आपको 4 ऑप्शंस आएंगी वो बिल्कुल सिमिलर वर्ड्स कैच करेंगी. हो सकता है उनमें बिल्कुल सिमिलर वर्ड्स दिए हो सकता है उसमें पैराफ्रेज्ड टर्म्स हो. सो इम्पोर्टेंट क्या है कि हम क्वेश्चन की जिस्ट को समझें, क्वेश्चन क्या बता रहा है, उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, आइडिया किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये समझें. 4 ऑप्शंस में से आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस जो आती है वो क्या कैटर करती है? एक ऑप्शन तो एब्सोल्युटली फॉल्स होगी, इनकरेक्ट होगी, उसको चूज करना बहुत आसान है कि ये आंसर हो ही नहीं सकता. कंफ्यूजन रहती है मेनली तब जब 2 या 3 दी गई ऑप्शंस में काफी सिमिलर इंफॉर्मेशन दी होती है, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए. बच्चे इनमें डिफरेंस मेनली होता क्या है? एक ऑप्शन ऐसी होगी जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी होगी और सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से कवर किया होगा. जो बहुत उसके क्लोजली रिलेटेड ऑप्शंस हैं, जो सही नहीं होंगी वो कैसी हो सकती है? कई बार ऐसा दिया होता है कि जो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी गई है जो स्पीकर ने ऑडियो में नहीं बोली थी. अब ऑफकोर्स अगर जो बात बोली नहीं है वो समरी का पार्ट नहीं हो सकती, एजम्पशंस पे आंसर नहीं चलेंगे, इसीलिए वो भी हमारा आंसर नहीं हो सकती. अनदर ऑप्शन कुड बी कि स्पीकर ने जो बोला है उस अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन दी गई है आपको सही, बट साथ में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी दे दी गई है अभी जो हमने बताया जो एक्स्ट्रा है, या फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता है जो अनट्रू है. सो एक सही इंफॉर्मेशन दी बट उसके साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी, दूसरा सही इंफॉर्मेशन दी बट उसके साथ कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी दे दी. एंड अनदर पॉसिबल ऑप्शन कुड बी कि सही इंफॉर्मेशन दी है बट सेंट्रल आइडिया मिस कर दिया है, मेन बात है जो वो बताई ही नहीं गई है. सो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे मैंने आपको पहले बोला है कि सब कुछ याद नहीं रहेगा. इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप की पॉइंट्स नोट डाउन करते रहिए, जस्ट लाइक वी डू इन आर रिटेल एंड समराइज स्पोकन टेक्स्ट. सिमिलर तरीके से सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स को नोट डाउन करो अपनी रफ शीट पे और उसके बाद उन पॉइंट्स को रिलेट करना शुरू करें अपनी ऑप्शंस के साथ. क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, द ओनली थिंग इज
कि हम अक्सर एक या दो ऑप्शंस में कंफ्यूज रहते हैं कि एक ऑप्शन में सब कुछ दिया है, दूसरे में भी सब कुछ दिया है। थोड़ा सा ध्यान से रीड करने की बात है कि जहां पे दोनों ऑप्शंस में आपको लगता है सब कुछ दिया है, वहां ये देखो कि क्या उनमें से किसी एक ऑप्शन में ये तो नहीं किया कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है या मेन बात ही मिस कर दी हुई है। सो आई एम श्योर बाय पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स दीज माइन्यूट डिटेल्स आप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। एंड फॉर मोर सच प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लीज विजिट आवर वेबसाइट mypt.learning.com। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।